एंकर अंजना कश्यप ने बीजेपी प्रवक्ता से पूछे तीखे सवाल। लोग बोले लगता है सैलरी नहीं मिली। वीडियो हुआ वायरल। आपने क्रिकेट को रंग बदलते देखा होगा। देखने में कितना अच्छा लगता है, लेकिन वो केवल एक आंखों वाला धोखा होता है। यही आज देश की गोदी मीडिया का हाल है। देश के सबसे तेज चैनल आज तक के एंकर अंजना कश्यप का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो महाराष्ट्र की राजनीति में जो उठा पटक चल रही है उस पर एक डिबेट में भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी से सवाल कर रही है कि एक तरफ आप बात करते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन लेने की और दूसरी ओर उन्हीं नेताओं के साथ सरकार बना लेते हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, एनसीपी नेता अजीत पवार और उनके अन्य साथी जैसे छगन भुजबल और प्रफुल्ल पटेल को भ्रष्टाचार के आरोप में जेल भेजने की बात कर रहे थे, चक्की पिसवाने की बात कर रहे थे। अब उन्हें ही अपनी सरकार में शामिल कर लिया है, जिसको लेकर आज तक के एंकर अंजना कश्यप ने अपने शो में भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी से सवाल किया कि एक तरफ आप चक्की पीसिंग की बात करते हो और दूसरी तरफ आप उन्हीं नेताओं के साथ लोटस क्लेम करने लगते हो, मतलब सरकार बना लेते हैं, उन्हीं नेताओं की व्हाइट वॉशिंग कर देते हैं। अंजना कश्यप ने जैसे ही भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी से सवाल किया, ट्विटर पर लोग मजे लेने लगे। आइए आपको बताते हैं जनता ने क्या कुछ कहा। एक यूजर ने ट्विटर पर लिखा, जना ओम कश्यप ने सवाल किया, सारे भ्रष्टाचारियों के भाजपा में जाने के बाद सभी पाप धुल जाते हैं, फिर भाजपा चुप हो जाती है। ये सवाल सुनकर सुधांशु त्रिवेदी हक्का बक्का रह गया, लगता है इस बार पेमेंट टाइम से नहीं हुआ। एक अन्य यूजर ने लिखा, बीच बीच में कहानी में ट्विस्ट निर्देशक द्वारा लाया जाता है, जिससे दर्शकों का इंटरेस्ट कायम रहे, बाकी क्लाइमेक्स तो हमेशा एक पक्षीय ही होता है। एक ने लिखा, जब नैया डूबने लगती है तो चूहे सबसे पहले छलांग मारते हैं, इन्हें पता है भाजपा की नाव डूब रही है। एक और ने लिखा, नहीं वो अपनी पेमेंट में इंक्रीमेंट चाह रही है और साथ में बोनस भी, इसीलिए इतना कड़ा सवाल किया। आपको बता दें, देश के प्रधानमंत्री मोदी जिन नेताओं पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं और एक्शन लेने की बात करते हैं, वहीं वो उन्हीं नेताओं के साथ सरकार बना लेते हैं या अपनी सरकार में शामिल कर लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी भोपाल में एनसीपी के नेता शरद पवार और अजीत पवार पर भ्रष्टाचार और परिवारवाद के आरोप लगाते हैं और उन्हीं के पार्टी तोड़ महाराष्ट्र में अपनी सरकार में शामिल कर लेते हैं। आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो पे हमने देखा अंजना ओम कश्यप को, इन्होंने क्या किया है कि सुधांशु से इन्होंने सवाल पूछ लिया और सुधांशु ने इनको जवाब जो दिया है वो उसको मद्देनजर रखते हुए और इनके सवाल को देखते हुए सोशल मीडिया के जितने भी यूजर्स हैं वो एक्टिव हो गए और उन्होंने अपनी अपनी बातें कहना स्टार्ट कर दिए हैं और गिरगिट से कहीं ना कहीं गोदी मीडिया को मिला दिया है, क्योंकि ये पता नहीं कहाँ किस टाइम किसके ऊपर कब चली जाएगी। वक्त, हालात, जज्बात सब बदल जाते हैं इन लोगों के। खैर, बाकी दोस्तों इस वीडियो के बारे में आप क्या राय रखते हैं, अपनी कीमती राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और इस वीडियो को तमाम भाइयों तक जरूर शेयर करें ताकि उन तक भी हक और सच की बात पहुंच सके। और दोस्तों चैनल पे लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपसे अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, अपना ध्यान रखें।